दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद अब मौलाना अरशद मदनी ने नागरिकता संशोधन कानून CAA को भी रद्द करने की मांग की है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने PM मोदी की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि अब CAA भी वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने देवबंद में ये बयान जारी किया। मौलाना अरशद मदनी के बयान में कहा गया कि लोकतंत्र और लोगों की शक्ति सर्वोपरि है। मौलाना ने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि सरकार और संसद अधिक शक्तिशाली है वो बिल्कुल गलत है। जनता ने एक बार फिर किसानों के रूप में अपनी ताकत का परिचय दिया है। इस आंदोलन की सफलता यह भी सीख देती है कि किसी भी जन आंदोलन को जबरदस्ती कुचला नहीं जा सकता है। हमारे किसान भाई इसके लिए बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने इसके लिए महान बलिदान दिया है। एक बार फिर सच्चाई सामने आ गई है कि अगर किसी जायज मकसद के लिए ईमानदारी और धैर्य के साथ आंदोलन चलाया जाए तो एक दिन भी बिना सफलता के नहीं जाता है। कृषि कानूनों के वापस होने पर अब CAA और धारा 370 के विरोधियों को ये लगने लगा है कि शायद अब ऐसे ही हम इन कानूनों को भी वापस करवा सकते हैं। वही PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया था, कृषि कानूनों को निरस्त करने का निर्णय और माफी एक स्वागत योग्य कदम है, भले ही यह चुनावी मजबूरियों और चुनावों में हार के डर से उपजा हो। विडंबना यह है कि जहां भाजपा को वोट के लिए शेष भारत में लोगों को खुश करने की जरूरत है, वहीं कश्मीरियों को दंडित और अपमानित करना उसके प्रमुख वोट बैंक को संतुष्ट करता है। जम्मू कश्मीर को खंडित और कमजोर कर भारतीय संविधान का अपमान केवल उनके मतदाताओं को खुश करने के लिए किया गया था। मुझे उम्मीद है कि वे यहां भी सही करेंगे और अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में किए गए अवैध परिवर्तनों को उल्टेंगे। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करके बताएं।